ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की टेप से इकाई में आपका स्वागत है। उकाब फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। यह पत्र 19 अगस्त 2023 को ब्रैनम टैबरनिकल से भेजा गया है। प्रिय सिद्ध वचन दुल्हन, परमेश्वर ने उसके अंतिम सामर्थ को भेजा है। उसने अपने महान उकाब को भेजा ताकि हमें हमारे पूर्व पिताओं के मूल विश्वास की ओर वापस लौटाए। यह उकाब का युग है। अब कोई और पशु नहीं है, अब कोई और संदेशवाहक नहीं है, अब कोई और मनुष्यों का झुंड नहीं है। बस इतना ही है, हम अंत में हैं। प्रकाशित वाक्य 10:7 की आवाज पहुंच चुकी है और उसने अपनी दुल्हन को बुलाने के लिए अपने महान भविष्यवक्ता उकाब का उपयोग किया है। यदि आप रविवार को हमारे पास्टर को सुन रहे थे परमेश्वर के महान उकाब को, तो आपने उन्हें यह कहते हुए सुना होगा जैसा उन्होंने हमें बताया था, तुम वो झुंड हो जिन्हें उन 7 गर्जनों में ले जाएगा परमेश्वर का वही वचन, और काटेगा और छांटेगा और यहाँ तक के आकाश को बंद कर देगा। तुम बंद कर सकते हो या यह कर सकते हो, जो भी तुम करना चाहो। शत्रु तुम्हारे मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा मारा जाता है, क्योंकि यह दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है। तुम 100 अरब टन मक्खियों को बुला सकते हो यदि तुम चाहो तो। जो कुछ भी तुम कहोगे वह घटित हो जाएगा, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के मुख से आ रहा है। यह उसका वचन है, लेकिन वह हमेशा ही इस पर काम करने के लिए मनुष्य का उपयोग करता है। मैं बटन को दबाकर चलाने के महत्व पर भला इतना जोर कैसे दे सकता हूँ। परमेश्वर ने जो उकाब को भेजा है उसे सुनने के लिए। यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिद्ध है। इतना सिद्ध है कि वह इस पर एक दूत पर भी भरोसा नहीं कर सका। वहां कोई दूसरा मनुष्य नहीं था, मनुष्य का कोई अन्य झुंड नहीं था, ऐसा कोई नहीं था जिसे वो इसे दे सके, उसके महानों का भविष्यवक्ता को छोड़। हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, इसे सिखा सकते हैं, यहां तक इसका प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन वहां एक ही आवाज है जिसके पास यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। और आपको हर एक वचन पर अवश्य ही विश्वास करना है। केवल एक ही आवाज है जिस पर आप अपनी अनंत मंजिल को रख सकते हैं। परमेश्वर ने अपनी दुल्हन का नेतृत्व करने के लिए केवल एक ही आवाज को चुना है, और केवल उसकी दुल्हन के पास ही इसका प्रकाशन होगा। केवल एक ही उकाब भविष्यवक्ता था जिसे उसने दुनिया के बुनियाद डालने से भी पहले उसके सारे वचन को प्रकट करने के लिए चुना था, विलियम मैरियन ब्रैनम, और उसे केवल उसे ही जो इस दिन के लिए परमेश्वर का उकाब संदेशवाहक है, उसे और केवल उसे ही परमेश्वर की दुल्हन का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था। मेरी बुलाहट या किसी भी सेवक की बुलाहट ये केवल एक ही चीज है कि आपको उसके पास ले जाए, परमेश्वर के महान उकाब के पास, वो एक जिसे उसने चुना, वो एक जिसे उसने अपने अग्नि के स्तंभ के द्वारा प्रमाणित किया, वो एक जिसे उसने चुना जब उसने किताब को खोला और मोहरों को खोल दिया और इसे नीचे धरती पर भेजा ताकि हम पर प्रकट करे, उसके लोगों पर प्रकट करे। वे शब्द जो उसने टेप पर बोले वे उसके शब्द नहीं हैं, वे परमेश्वर के विचार हैं जिसे बोला गया है और उसकी दुल्हन को सुनने के लिए टेप पर रिकॉर्ड किया गया है, और केवल उसके पास, उसकी दुल्हन के पास इसका सच्चा प्रकाशन है। दुल्हन, इस पर जरा सोचे, हम पहुंच चुके हैं, बस ऐसा ही है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने इसे साबित किया है, वचन की पुष्टि ने इसे साबित किया है, और हम यहाँ पर हैं, और यह प्रकाशन परमेश्वर की ओर से आता है, और यह सत्य है।
और क्योंकि आप इसकी पहचान देते हैं, हम उसके पूरी तरह से लुटाए गए बेटे और बेटियां हैं। अब कोई सोच विचार नहीं है, अब कोई विपरेशन नहीं है, हम उसकी सिद्ध वचन दुल्हन हैं। हम पहचानते हैं कि हम कौन हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम ही वो एक हैं। उसने अपने उकाब सभी को सफेद वस्त्रों में दिखाया। साहस बांधो दुल्हन, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। हम इसे महसूस कर सकते हैं, यह हमारे लिए पहले से कहीं अधिक वास्तविक है। शत्रु हमसे घृणा करता है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो ना ही केवल हमारे साथ है, वो हम में है। हम उसके देहधारी वचन हैं। वो शैतान को साबित कर रहा है, हम असफल नहीं हो सकते और ना ही असफल होंगे। वहां पर केवल विश्वास और संदेह है। हमारे पास केवल विश्वास है, ना ही खुद पर, उसके वचन में, और यह असफल नहीं हो सकते। क्यों? हम वो वचन हैं। परमेश्वर ऐसा कहता है, आपने उसे नहीं चुना, उसने आपको चुना है। भला शैतान आपके साथ कुछ भी कैसे कर सकता है? परमेश्वर ने आपको चुना है, उसने आपको चुना है, क्योंकि वो जानता था कि आप उसके वचन पर विश्वास करने से असफल नहीं होंगे। शैतान आपसे कहता है, लेकिन तुम असफल हो, असफल हो, असफल हो, तुम सही हो, मैं अपने शरीर में असफल हो सकता हूँ, लेकिन मेरा धर्मीकरण हुआ है और मैं हर एक वचन पर विश्वास करने से असफल नहीं होऊंगा। हमें परमेश्वर के लिए परखा जाना है और परीक्षाओं में से होकर गुजरना है, जिससे कि वह अपने और हमारे शत्रु को साबित कर सके। हम उसकी सिद्ध वचन दुल्हन हैं। होने पाए वो महान पवित्र आत्मा आपके घरों में आपकी कलीसियाओं को भर दे, और या जहां भी आप हों, इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार, जब हम परमेश्वर के महान उकाब को प्रकाशन लाते हुए सुनेंगे। 5वीं मोहर 63:03-22, भाई जोसेफ ब्रैनम। संदेश को सुनने से पहले पढ़े जाने वाले वचन, दानियल अध्याय 9 आयत 20 से 27। प्रेरितों के काम अध्याय 15 आयत 13 से 14। रोमियो अध्याय 11 आयत 25 से 26। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 आयत 9 से 11। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 आयत 7 से 8। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 8 से 9। प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह यही समय पर हम फिर से यहां मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यह वीडियो सीरा विस्टा एरिजोना में सीरा विस्टा फेलोशिप में विश्वासियों द्वारा आपके लिए संपूर्ण रूप से लाया गया है। जेफरसन विले इंडियाना में ब्रैनम टबर्निकल के साथ के सहयोग से। संदेश प्राप्त करने के लिए आप www.branhamtabernacle.org या www.svfellowship.info पर जा सकते हैं।